कलकत्ता मैनेजर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है मेरे दोस्तों। अभी मैं थोड़ा दूर से कवर कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा अंदर की तरफ जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। आज जहाँ पे मैं आया हूँ इस जगह का नाम है BNR रेलवे कॉलोनी, और यहाँ इसलिए भी मुझको बताया गया, बुलाया गया है कवर करने कि भाई कलकत्ता शहर का सबसे बड़ा शीतला पूजा यहाँ पे होता है। थोड़ा नज़ारा लिया जाए उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा आप लोग, आइए। ये आप देख रहे हैं माताएं बहने सब आ रही हैं और अपनी अपनी मनोकामना वाली टोकरियाँ लेके। अभी थोड़ी देर में फिर पंडाल के अंदर में जाऊंगा, उसके बाद आप लोग को इसके बारे में विवरण दूंगा। अभी थोड़ा हम लोग देखते हैं माँ और बहन लोग किस तरह सब जाएंगे सज कर रहे हैं। एक किस्म का एक टाइप का साड़ी पहने हुए और इनके माथे पे जो है पूजा का सामग्री सब लेके जा रहे हैं, मनोकामना अपने इससे इनकी पूरी होगी। मैं थोड़ा थोड़ा फॉलो करता हूँ और भीड़ को चीरते हुए थोड़ा देर आगे तक चलता हूँ। देखिए ये लोग जहाँ तक मुझे लगता है कि गंगा घाट की तरफ जाएंगे, गंगा घाट यहाँ से अबाउट हाफ किलोमीटर दूर है। उसके बाद में फिर वापस आके आप लोग को मेला का सीन दिखाऊँ। हाँ थोड़ा इधर कवर कर लूँ। आइए, ये जो आप देख रहे हैं लोग रिक्रिएशन क्लब है यहाँ BNR का, और ये बहुत ही साफ सुंदर परिवेश वाला एरिया है BNR रेलवे कॉलोनी। इनको थोड़ा देर फॉलो करने के बाद मैं पंडाल में कट करूँगा और पंडाल में मूर्ति वगैरह जो भी है उसको फिर कवर करूँगा मैं। अभी थोड़ी देर माता और बहनों को संबंध है, आप लोग भी मेरे साथ रहिए और माँ शीतला का आशीर्वाद लीजिए। अब मैं यहाँ से कट करूँगा पंडाल की तरफ। जी हाँ, मेरे साथ रहिए। अब मैं जा रहा हूँ डीप इनसाइड द पंडाल, देखिए वहाँ क्या हो रहा है, उसके बाद निकल के मैं आपको दिखाऊंगा बाहर का परिवेश। ठीक है, अभी यहाँ मैंने जो दिखाया आप लोग को ये था शीतला पूजा का बहुत बड़ा भव्य प्रदेश आयोजन, और यहाँ लगता है कि ये देखिए मैं यहाँ तक हूँ तो खुलने का बात है। शीतला माँ वहाँ पे है, आइए दर्शन करते हैं उनका और नमस्कार देते हुए। बहुत ही सुंदर साफ परिवेश है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था वो शीतला मैया का ये मंदिर, और ऐसा जो जिसको बताया गया तस्वीर में आया है कि कलकत्ता शहर का सबसे बड़ा शीतला पूजा जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती रहती है। आइए थोड़ा देखते हैं कल्चरल क्या रखा है इन लोगों ने। शायद शाम को है, अभी सजावट हो रही है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं कितना लंबा एरिया। ये देखिए ये चेयर्स आप देख रहे हैं, ये देखिए बहुत सारे हैं, मीन्स काफ़ी स्पेस है इनके पास। अब बहुत सारे लोग आने वाले हैं और मेरे ख्याल से रंगारंग कार्यक्रम शायद शाम को होगी। चलिए स्टेज पर चलते हैं हम लोग। वो देखिए ये है वो रेलवे क्वार्टर्स रेलवे स्टाफ के लिए, उसके अंदर में है ये गार्डन और ये शीतला मंदिर जो भव्य आयोजन किया गया है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शाम को यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होने वाली है, तो स्टेज के यहाँ से हम लोग थोड़ा सा जायजा लेते हैं स्टेज का। वो देखिए लिखा है शीतला उत्सव 2019, ठीक है, और ऑर्गेनाइज बाय हरिजन सेवक संघ, ऐसा लिखा है। ये वो पंडाल भव्य पंडाल, चीफ गेस्ट लोग आने वाले यहाँ पर रहेंगे लोग सब। अब मैं फिर कट करके बाहर की तरफ जाता हूँ, वहाँ पर मेला का जो आयोजन है एक छोटा सा मेला टाइप का वहाँ पर लगा हुआ है, उसको मैं दिखाऊँगा आप लोग को, आप मेरे साथ रहिए। ये रहा वो क्वार्टर, और यहाँ पे जो सीट्स आप देख रहे हैं, मैं घाट तक जाता लेकिन उतना दूर जाना संभव नहीं होगा उन लोगों को फॉलो करते हुए, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ यहाँ का ही कवर करके आप लोगों को दिखाया। ये लोग डेफिनेटली गए हैं वहाँ पे गंगा घाट, वहाँ पे है मेरा एक पहले का वीडियो था, अगर आप लोगों ने देखा होगा BNR गंगा घाट नाम का, ये लोग उसी जगह ही जाएंगे। अब यहाँ से शुरू होती है मेला, ये देखिए मेला का बच्चे लोग आनंद ले रहे हैं, यहाँ पर मेला का सजावट होगा। ये देखिए ये है बाहर से, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये है पंडाल का आयोजन। बहुत ही सुंदर पंडाल, बहुत बड़ा, और काफ़ी लोग आने वाले हैं यहाँ पे शाम तक। और हाँ, सुनने में है कि ये करीब 4 से 5 रोज रहेगी मेला शीतला माँ का ये अनुष्ठान। ये देखिए ये भी दुकानें लग रही हैं। अच्छा ये तो बंदर भाई, ये इस वीडियो को देखते हुए आप लोग को अगर 2-3 दिन के अंदर आना हो, क्योंकि 4 दिन रहेगी मेला और ये भव्य अनुष्ठान चलता रहेगा, आप लोग आइए माँ का आशीर्वाद लीजिए। इन केस इस बार आप लोगों ने मिस किया, अगले साल को याद रखिएगा, इसी जून के महीने में लोग करते हैं। ये देखिए ये एनुअल प्रोग्राम है इनका शीतला मंदिर का,
और ये जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दुकान सज रही है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। और थोड़ा देर पहले जो आपको बताया ना मेरे वीडियो शुरू होने का पहले, बहुत सुंदर साफ परिवेश है वो आप देख रहे हैं। इस करीब 200 मीटर के 250 मीटर की दूरी में मेन रोड है, बहुत चलाचल वाली एरिया है ये डॉक एरिया। और यहाँ जो माता और बहनें लोग गए हैं, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, अब मेरा पहला वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे गंगा घाट है, बीएनआर गंगा घाट, मेरा पहला एपिसोड आपने अगर देखा होगा बीएनआर गंगा घाट, तो ये माता बहनें वहीं पर गई। काफ़ी डिस्टेंस हो जाएगा और मेरे पास अभी इतना नहीं हो पाएगा समय कवर करने का, इसलिए मैं यहाँ से ही ख़त्म कर रहा हूँ अपने वीडियो को जो आप लोगों को दिखाया। लोग मन्नत मांगने गए हैं वहाँ पे। और ये रहा मेला का बाहरी हिस्सा जो अभी थोड़ा देर पहले बाद में ये लोग शुरू करने वाले हैं। ये देखिए वो पंडाल तो मैं दिखा ही चुका हूँ, बहुत सारे लोग आने वहाँ पे। और यहाँ पे इन लोग का कम्युनिटी हॉल रिक्रिएशन क्लब आप बोल सकते हैं, विभिन्न तरह के अनुष्ठान यहाँ पे होती है, भाड़ा पे दिया जाता है इस कम्युनिटी हॉल को। बहुत सुंदर जगह, बहुत अच्छा परिवेश है यहाँ बीएनआर रेलवे कॉलोनी का। तो बहन भाई इस पंडाल के बाहर आते हुए एक बार मैं फिर पंडाल की तरफ जा रहा हूँ और वहीं जाके अपना इस छोटा सा वीडियो को शीतला माँ के ऊपर, आज जो है शीतला पूजा के ऊपर, वहीं पे समाप्त करूँगा। आशा है आप सबको मेरा ये शीतला माँ के ऊपर, शीतला पूजा के ऊपर, बीएनआर का जो शीतला पूजा है एनुअल प्रोग्राम, इनका वार्षिक प्रोग्राम, इसको आप लोग को पसंद आया होगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आप सबसे यही निवेदन करते हुए मैं दर्शन लेता है आज्ञा।